तो पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन हम फिर लौटेंगे बोलपुर, लेकिन उससे पहले अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को संबोधित कर रहे हैं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय न केवल विश्वविद्यालय परिसर के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, बल्कि नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना और पहले से चल रहे कृषि विज्ञान केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की नई कार्य योजना के साथ किसान भाइयों के चेहरे पर खुशहाली लाने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, आज उसी चरण उसी संकल्पना को पूर्ण करने के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। मैं इसके लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जी और उनके पूरी टीम के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। ये जितना भी काम हो रहा है इसका एक ही लक्ष्य है, जैसे भी हो अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, और समृद्धि और खुशहाली का मार्ग निकलेगा तब जब किसान की खेती की लागत को कम किया जाएगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, किसान को खेत से लेके खलिहान तक, बीज से लेके बाजार तक एक चेन के साथ जोड़ने का कार्य होगा, उसे नई तकनीक, समय पे बीज और खाद, समय पर कृषि वैज्ञानिकों की उचित सलाह और सहयोग उसे प्राप्त होगा। तुम्हारा अन्नदाता किसान वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश उनसे अपेक्षा रखता है, जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने किया है, और मैं अभिनंदन करूंगा प्रधानमंत्री जी के विजन का और अभिनंदन करूंगा देश के अन्नदाता किसानों का जिन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर भारत की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने एक बार फिर से साबित किया है। भाइयों बहनों, तकनीक की जानकारी होना आज के दिन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप देखते होंगे भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की कोई भी योजना आ रही है, हम उसे तकनीक के साथ जोड़ करके कैसे उसके जीवन में, किसान के जीवन में, मजदूर के जीवन में, सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं। या आपने देखा होगा जब 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सरकार बनाई थी, और सरकार बनाने के बाद जब आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र था कि हम किसानों के 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करेंगे, और हमारी पहली ही कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, तो वह पैसा सीधे किसान के खाते में बैंक में गया और बैंक का कर्जा स्वतः ही माफ होकर के हमारे सांसद हमारे विधायकगण किसानों के पास सर्टिफिकेट लेकर के पहुंचे थे। ये सर्टिफिकेट आपका है अन्नदाता, ये आपका सर्टिफिकेट है, अब आप कर्ज से मुक्त हुए हैं, यानी कर्ज से मुक्त होने का मतलब आपके जीवन में खुशहाली लाना हमारा दायित्व है, उस दायित्व के लिए हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, यही तो शासन की मंशा है। याद करिए जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद मोदी जी ने इस देश को अपने संबोधन में
एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेंगे, उसके अनुरूप योजनाएं बनाएंगे। योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ। भारत का नागरिक, 135 करोड़ की आबादी का कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सकता है, उसकी एक पात्रता तय करके पूरे देश के अंदर से समान रूप से लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या किसी का चेहरा देख करके दिया गया? नहीं। जो पात्रता थी और इसकी पात्रता जब तय हो रही थी 2011-12 में, तब उस समय ना प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी थे, न मुख्यमंत्री के रूप में मैं था, लेकिन पात्रता जो विपक्ष ने तय की, वह तो योजनाओं का लाभ गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं दे पाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने वह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। चाहे वह आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, विद्युत कनेक्शन का है, रसोई गैस का है, आयुष्मान भारत का है, ये सभी योजनाएं तो दी ही। लेकिन अगर किसानों के बारे में ही हम देखेंगे, स्वायत्त हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वन क्रॉप मोर क्रॉप के साथ, तकनीक के साथ खेती किसानी को जोड़ने, एक एक बूंद पानी की कीमत को समझने, कृषि विज्ञान केंद्रों की एक श्रृंखला खड़ा करने और उसके माध्यम से किसान भाइयों को तकनीक के साथ जोड़ करके उनके खेत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, लागत को कम करने की तकनीक उन्हें उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य तो किए ही गए। कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से वे सभी योजनाएं क्रियान्वित होती हुई दिखाई दी, जो वर्षों से, दशकों से लंबित पड़ी हुई थी। ये सभी कार्य पूरी ईमानदारी प्रतिबद्धता के साथ हुआ और याद करना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले, यह काम किसी और ने नहीं किया। कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हरेक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। लोकसभा चुनाव के पहले जब फरवरी 2019 में माथा नहीं चूक।